नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 अप्रैल, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने की बड़ी तैयारी। कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र सीमा खत्म करने की उठी मांग। कोरोना काल में खान और भूतत्व विभाग ने की बम्पर कमाई। बिहार में 3 अप्रैल से चढ़ेगा पारा। हर घर नल का जल योजना की होगी अब सोशल ऑडिट। चले बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना काल में खान और भूतत्व विभाग ने की बम्पर कमाई। कोरोना के माहौल में जहां कई लोगों ने अपना काम खोया है, वहीं कुछ विभाग के लिए यह एक अवसर जैसा रहा, जिसके तहत कोविड-19 के बावजूद खान और भूतत्व विभाग का वित्तीय वर्ष 2020-21 में परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। खबरों की माने तो 1600 करोड़ रूपए के तय लक्ष्य को पार कर करीब 1678.79 करोड़ रूपए की वसूली की गई है। इसकी जानकारी खान और भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने दी है। उन्होंने इस बाबत कहा है कि ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार बालू के दामों में वृद्धि करने जा रही है, यह बिल्कुल अफवाह है। राज्य सरकार जिस रेट पर अब तक बालू बेच रही है, आगे भी इसी रेट में आम जनता को बालू मिलता रहेगा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने की बड़ी तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसी क्रम में सरकार भी समय समय पर नए नए नियमों को लागू करती रहती है। इसी क्रम में अब सरकार ने एक और नया बदलाव किया है, जिसके तहत सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी कर रही है। ईवीएम के कारण मामला अटका होने के कारण ही चुनाव में देरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसका सीधा असर पंचायतों पर पड़ेगा, जिसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे। सरकार की माने तो अब जब तक प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक अफसर ही योजनाओं का क्रियान्वयन कराएंगे। साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का हुआ अंतिम संस्कार। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर ने दुनिया को अलविदा गुरुवार को ही कह दिया था। 99 वर्ष के चंद्रनाथ मिश्र कुछ दिन पहले घर में ही गिर गए थे, जिसके बाद से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद बीते दिन उनका अंतिम संस्कार करवाया गया, जिसके बाद विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उनके आवास पर पहुंचकर संस्थान की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने पंडित अमर के गुजर जाने को मैथिली साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा है कि वे के मूर्धन्य साहित्यकारों में से एक थे। बिहार में 3 अप्रैल से चढ़ेगा पारा। बिहार में मौसम में और ज्यादा गर्मी आने वाली है। आने वाले समय में और ज्यादा गर्मी का एहसास होने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूबे के उत्तरी भाग में अब भी दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है। शेष भाग में अब भी उत्तरी पश्चिम हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से एक बार फिर से उत्तर बिहार को छोड़कर शेष भाग में तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। अगले 2 दिनों बाद फिर से गर्मी बढ़ने के आसार है। अगले 24 घंटे में पारा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार जताए गए हैं, जिसके बाद आने वाले 3 महीने तक ऐसी ही गर्मी सताने वाली है। राजधानी पटना के कई इलाकों में पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी रसोई गैस। राजधानी पटना के कई इलाकों में अब बिहार सरकार की पहल के बाद पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसके तहत राजधानी पटना के बोरिंग रोड और राजीव नगर इलाके में रहने वालों को अब इसकी सुविधा मिलने वाली है। हालांकि पटना के 12 मोहल्लों में इस योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जून तक पटना के बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, राजवंशी नगर, पुनाई चक, राजीव नगर, बुद्धा कॉलोनी और श्री कृष्ण नगर समेत आसपास के 12 से अधिक मोहल्लों में पीएनजी की सप्लाई होने वाली है। शुरुआत में लगभग 4,000 घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने नाम किया एक अनोखा रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं एयरपोर्ट समय समय पर नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में अब दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके तहत 8 नवंबर से शुरू हुई हवाई सेवा के तहत 31 मार्च तक 150,232 लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जिसके बाद ही इस एयरपोर्ट ने कई मामलों में अपने नाम यह रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। पिछले 5 महीने के आंकड़ों को देखें तो कुल 940 जहाजों ने उड़ान भर लिया है। उड़ान योजना के तहत यहां से शुरू की गई हवाई सेवा की इतनी कम समय में मिली सफलता को लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। वहीं इस उपलब्धि को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपनी खुशी व्यक्त की है। पंचायत चुनाव में कई उम्मीदवारों पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव को लेकर हाल ही में बिहार सरकार ने पंचायती राज मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, बस तारीखों की घोषणा का इंतजार हो रहा है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। चुनाव में पूरी सख्ती के साथ ही हर चीज पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने 2016 का पंचायत चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा जमा नहीं क्या है, वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद कई मुखिया सरपंच चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चारुश्री रॉय की। फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसके तहत मनोज बाजपेयी और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खूब चर्चा हुई थी। वहीं इस बीच बिहार की एक बहू को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत प्रखंड क्षेत्र की रानी तीन पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक राय की पुत्रवधु चारुश्री रॉय, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। इससे संपूर्ण प्रखंड क्षेत्र में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चारुश्री राय साल 2009 से लगातार कई हिंदी और मराठी फिल्मों का कुशल संपादन कर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी हैं। इसके पहले भी साल 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार एवं वर्ष 2013 में सर्वश्रेष्ठ प्रचार फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। हर घर नल का जल योजना की होगी अब सोशल ऑडिट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना सोशल ऑडिट के दायरे में अब आ चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब यह लागू हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसको लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि इसके तहत हर एक गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की परख होगी। इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट बन जाने से सुधार किया जाना आसान होगा। हालांकि विभाग की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि गड़बड़ी के लिए जिम्मेवारी भी तय होगी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अब होगी स्थायी नियुक्ति। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र साथ ही बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के खाली पड़े 1376 पदों पर जल्द ही बहाली करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब सहायक प्राध्यापक के अलावा अन्य पदों को भी जल्द से जल्द भरने की तैयारी हो रही है। ये नियुक्तियां स्थायी की जाएंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना जारी कर दी है। बिहार में साहित्य को पर्यावरण से जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। इस बार बिहार में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का आयोजन करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस बार इस दिवस का आयोजन प्रकृति संवाद पर केंद्रित किया गया है। इसी के साथ मैला अंचल के रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ऐसे में पर्यावरण दिवस के दिन ही रेणु की रचनाओं की प्रकृति चित्रण को मुख्य विषय बनाया जाएगा। साहित्य को पर्यावरण से जोड़ने की यह अनोखी पहल होने वाली है। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह तैयारी की है कि रेणु की स्मृति में एक रेणु वाटिका को विकसित किया जाए। बिहार के कई ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियां होंगी पुरस्कृत। राज्य सरकार के ऊपरी इकाइयों की धूमिल छवि की खबरें आए दिन सुनने को मिल जाती है। हालांकि इन सब के बीच त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत बिहार की 7 ग्राम पंचायतें, 1 जिला परिषद और 4 पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसके बाद अब 24 अप्रैल को इन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा को इस सूची में जगह मिली है। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले के बघाड़ी गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और रोहतास जिले के ग्राम बिसैनी कला को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड नालंदा के कोसियावा को मिलेगा। बिहार के जिलों से 45 कैदियों को कटिहार किया गया शिफ्ट। बिहार के लगभग 9 जिलों से 45 अपराधियों को कटिहार जेल में भेज दिया गया है। जानकारों की माने तो ये वैसे अपराधी हैं जिनको लेकर यह आशंका थी कि दूसरे जिलों में बंद इन अपराधियों के माध्यम से विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है और साथ ही अपने जिले में जेल के अंदर से बड़ी वारदात को ये अंजाम भी दे सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए जेल प्रशासन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत जेल आईजी मिथिलेश कुमार ने बताया कि कटिहार जेल अधीक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से ही उनके जेल में अपराधियों को शिफ्ट किया गया है। बाल हृदय योजना के तहत भेजे गए बच्चे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 7 निश्चय योजना के तहत बाल हृदय योजना के अंतर्गत इलाज के लिए चयनित बच्चों और अभिभावकों को मुख्यमंत्री अहमदाबाद इलाज के लिए रवाना कर चुके हैं, जिसके तहत बीते दिन शाम 5:15 पर सीएम सचिवालय संवाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों और अभिभावकों को रवाना किया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कैबिनेट में पिछले दिनों यह फैसला लिया था कि जिन बच्चों के हृदय में छेद है सरकार उनका मुफ्त में इलाज करवाएगी और उसी फैसले के तहत 7 निश्चय 2 में इस योजना को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने बच्चों को अभिभावकों के साथ बीते दिन रवाना कर दिया। NH-80 के चौड़ीकरण को बिहार सरकार की तरफ से मिली मंजूरी। मुंगेर वासियों के लिए खुशखबरी। मुंगेर से मिर्जा चौकी के लिए NH-80 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चौड़ीकरण के तहत मंजूरी दे दी है। इस पर 477.54 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ ही 57.25 किलोमीटर लंबाई में भागलपुर 0 माइल से मिर्जा चौकी 566.5 करोड़ की लागत से 2 लेन के चौड़ीकरण के कार्य को भी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति की गई है। योजनाओं से संपूर्ण पथानस में सड़क का ऊंचीकरण और साथ ही साथ कंक्रीट का सड़क निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि पुल पुलिया का भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि इसे समय पर पूरा करने का निर्देश भी जारी किया है। बिहार के जमुई जिले के हर्ष विक्रम बने आईपीएल का हिस्सा। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हर्ष विक्रम इस साल के आईपीएल का हिस्सा बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार हर्ष विक्रम को दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के 25 खिलाड़ियों के अलावा हर्ष का नाम 7 रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया। फिलहाल वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एवं सीसीआई मैदान पर टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्ञात हो इस बार बिहार से सिर्फ हर्ष विक्रम ही एकमात्र खिलाड़ी है जो किसी न किसी रूप में आईपीएल का हिस्सा बने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र सीमा खत्म करने की उठी मांग। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सरकार की चिंता भी एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी क्रम में अब वैक्सीनेशन को लेकर उम्र सीमा खत्म करने की मांग लगातार उठ रही है, जिसके तहत ही विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने जो उम्र सीमा तय की है उसे खत्म कर दिया जाए। विपक्ष का कहना है कि अगर लोगों को बचाना है तो गांव में शिविर लगाकर सबका टीकाकरण किया जाए। राजद के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए गांव में सरकार शिविर लगाती है, उसी तरह कोरोना टीकाकरण का शिविर लगाया जाए। कोरोना पूरे देश में पांव पसार रहा है, ऐसे में अब सरकार को लोगों को बचाने के लिए गांव-गांव में जाकर शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है और उन्हें टीका लगाने का काम किया जाए। श्रेयसी सिंह ने राजगीर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर कही अहम बात। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। खेल जगत के भी ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। हालांकि इन खिलाड़ियों के लिए बिहार में कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, मगर समय के साथ ही बिहार सरकार खेल के लिए पर्याप्त जगह मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करवाने की बात कही है। इसको लेकर ही बिहार की गोल्डन गर्ल नाम से मशहूर श्रेयसी सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजगीर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। खेल विश्वविद्यालय के बनने से बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रतिभा में और निखार आएगा। भाकपा माले ने नीतीश कुमार से माफी की मांग करते हुए शुरू किया अभियान। 23 मार्च को विपक्ष और सरकार के बीच हुए वाकया को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से मांग शुरू कर दी है, जिसके तहत बिहार विधानसभा में हुए हमले के खिलाफ भाकपा माले ने पूरे बिहार में विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि पूरे अप्रैल महीने में लोकतंत्र हुआ शर्मसार, माफी मांगे नीतीश कुमार, अभियान चलाए जाने की बात कही थी। इसकी शुरुआत बीते दिन से हो गई है। भाकपा माले विधायक ने बताया है कि इस अभियान के तहत हम पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ऑटिज्म को लेकर मदन सहनी ने दिया अपना बयान। विश्व ऑटिज्म दिवस को बीते दिन पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी मनाया गया। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय सक्षम समाज कल्याण विभाग की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का हिस्सा बन उन्होंने बीते दिन कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, ताकि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों का इलाज सही समय पर करवाया जाए। इस बीमारी को ठीक तो नहीं पर बढ़ने से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि यह जागरूकता रैली सक्षम विभाग के दिव्यांग सोसाइटी की तरफ से राजभवन के राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा से आईपीआरडी कार्यालय तक निकाली गई थी। बंगाल चुनाव के बीच एक दूसरे से भिड़े गिरिराज सिंह और महुआ मोइत्रा। इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव की लहर है। हालांकि चुनाव की आंच बिहार तक आ पहुंची है, जिसके तहत बिहार की राजनीति में भी बंगाल और बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बंगाल के मुद्दे को लेकर महुआ मोइत्रा और भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह एक दूसरे से भिड़ते नजर आए हैं, जिसके तहत हाल ही में महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था, जहां उन्होंने बनारस चुनाव के लिए मोदी को तैयार रहने के लिए कहा था, जिसके जवाब में गिरिराज सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आज ही के दिन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया था। आज ही के दिन 1680 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी की रायगढ़ में जान चली गई थी। 1903 में समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म आज के दिन हुआ। साल 1929 में मशहूर हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा का जन्म आज के दिन हुआ। भारत की मशहूर अभिनेत्री जयाप्रदा का जन्म 1962 में आज के दिन हुआ था। साल 2007 में नई दिल्ली में 14वां सार्क सम्मेलन की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी।
5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर्ड कराना जरूरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में बच्चों के लिए बनाए जाने वाले आधार कार्ड को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत UIDAI ने बताया है कि बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना होता है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाया जाता है। ध्यान रहे कि आधार कार्ड नीले रंग का होता है और बच्चों के 5 साल की उम्र को पार करते ही यह कार्ड अमान्य घोषित हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों के लिए बनाया आधार कार्ड को अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर्ड कराएं। युवराज सिंह ने विश्व कप जीतने को लेकर कही बात। 2 अप्रैल का ही वो दिन था जब भारत ने विश्व कप जीता था। हालांकि इस बात को 10 साल हो गए हैं, मगर उस जीत से जुड़े हर खिलाड़ी के मन में जीत का एहसास आज भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में भारतीय टीम के सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने भी विश्व कप जीतने के उस एहसास को साझा किया है, जिसके तहत जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने कहा है कि यह उपलब्धि हासिल करना बहुत जरूरी और खास थे और वो इस खुशी को शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर युवराज सिंह ने बीते दिन अपना एक वीडियो भी जारी किया है। अब आसानी से व्हाट्सएप के कलर में कर सकेंगे बदलाव। आज के समय में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। आज के समय में आप आसानी से व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप भी समय समय पर अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स को लाता रहता है। इसी क्रम में व्हाट्सएप का कलर भी अब आप आसानी से बदल सकते हैं। इसी के साथ अब व्हाट्सएप और शानदार होने वाला है। इस फीचर के रोल होने के बाद यूजर जल्द ही चैट बॉक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को डार्क ग्रीन कलर का भी कर सकते हैं। हालांकि अभी यह फीचर कंपनी कब रोल करने वाली है इसको लेकर कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही हफ्तों में इस फीचर को रोल कर दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिखा था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू राज, रविंद्र पासवान, गुरुकुल एम्बिशन, मनीष कुमार, पीयूष वर्मा, सर्वजीत पासवान, साहिल राज, शशिभूषण, अमरेश मिश्र, राजीव कुमार, अनिल कुमार, शोभा कांत, मनीष कुमार, नीलम झा, दिलशाद आलम, निरंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार विपक्ष की तरफ से की जा रही कोरोना वैक्सीनेशन में उम्र सीमा को खत्म करने की मांग सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।